नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रैवलिंग दोस्त। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मौसमियों की बारिश कहाँ से हो रही है, तो इसकी कहानी मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। राम राम भैया जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार, अच्छा तो ये हमें मौसमी का जूस पीना है और थोड़ा सा मशीन के बारे में भी जानना है हमें। तो ये जो मौसमी वाली मशीन है ये कितने की आती है? मौसमी वाली मशीन आती है 6000 रुपये। 6000 रुपये की? अच्छा, और जो सबसे छोटी जैसे हम घर में बना पाए वो कितने की आ जाएगी? वो आती है लगभग 3000-3500। 3000-3500 का? अच्छा, और ये मौसमी कितने रुपए किलो चल रही है? 600 रुपए कट्टे। 600 रुपए का कट्टा? हाँ। अच्छा तो चलिए एक ग्लास बना दीजिए हमारे लिए बढ़िया सा। ठीक है, बना। अनानास और मौसमी का एक साथ। ये छील के रख रखी है आपने पहले? हाँ, पहले छील के रख रखी हूँ। अच्छा, जूस इधर और सारा छिलका उधर। छिलका इधर निकलेगा। अभी मैं भी मौसमी का कट्टा लेने जाऊंगा क्योंकि हमारे वहाँ पर जहाँ पर हमारा घर है ना, हाँ, वहाँ पर मौसमी वाला कोई आता नहीं है। अच्छा। और ना कोई दुकान है वहाँ पर। अच्छा। तो मुझे मौसमी की मशीन भी लेनी है और कट्टा भी लेना है। कितनी मौसमी में एक गिलास जूस निकल जाता है? 4-5-6 में एक गिलास। एक गिलास निकल जाता है 20 वाला? अच्छा अच्छा। मनोज कुमार ये लीजिए मनोज कुमार जी। ठीक है, बहुत अच्छा जूस बनाया आपने और इस वीडियो को आप अपने फोन में भी देख पाओगे जब ये डल जाएगी इंटरनेट। आज हम निकालेंगे मौसमी का जूस। हम लोग लाए हैं फरीदाबाद से मौसमी का पूरा के पूरा कट्टा, जो कि है 500 रुपए का हमें पड़ा है एक कट्टा मौसमी का। और अब हमारे पास मशीन तो है नहीं मौसमी का जूस निकालने के लिए, तो हम मिक्सी में ट्राई करके देखेंगे कैसे निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मौसमी छील के देखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये मौसमी छील के काट ली है। छीलने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। 20 रुपए दे के रेडी वाले से जूस पीने हमारी तरह पागलपंती ना करें। तो हम लोग अभी मिक्सी में जूस निकालते हैं। हमने दो मेहमान भी बिठा रखे हैं जूस पिलाने के लिए, वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो ये हमने डाली मिक्सी में मौसमी और इधर से बटन प्ले करेंगे। एक मिनट, इसको पकड़ना भी तो बहुत पड़ता है। ये 1-2-3 इधर नहीं चालू हुआ, इधर से चालू करते हैं पीला बटन। 1-2-3 हाँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 6 मौसमियों में एक गिलास जूस का निकला बिल्कुल लवालब रसीला जूस, मौसमी का ताजा जूस मेरे हाथों का। तो अब ये आधा आधा गिलास हम मेहमानों को पिलाएंगे, पी के वो हमें बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। दुकान वाला जूस बढ़िया होता है, रेडी वाला, या फिर ये मेरे हाथों का अमृत। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने एक गिलास जूस को 2 गिलास में कन्वर्ट कर दिया है। और ये हमारे मेहमान बैठे हैं, ये मेरी मम्मी जी है और ये मेरी बुआ जी है। इनको हम आधा आधा गिलास जूस देंगे और ये हमको पूरा गिलास जूस देने के बाद बताएंगी कि इसका स्वाद कैसा है, दुकान से बढ़िया है या दुकान से खराब है। पहले इनको पूरा ग्लास ये खत्म करना होगा, उसके बाद हम इनसे रिव्यू लेंगे कि जूस कैसा बना है। ये रहो मेरे, ये रहो बुआ जी। चलो 3 गिनने पे पीना। 1-2-3 पियो जल्दी। कैसा स्वाद है बताना? अच्छा है। बहुत ही बुरा है। आप पियो बुआ। इतना कड़वा कड़वा है, मीठा होना चाहिए मौसमी का जूस तो। नहीं, क्या वो बुआ अच्छा है तो पियो, कड़वा है। तो वीडियो अच्छी बनाने के लिए बोल रहे थे। पियो पियो, पूरा जूस पियो। क्या हो गया? दोस्तों, हमने पहले जूस बना के पी लिया था, हमें पता था कि इसका स्वाद पानी मिक्स करता है। पानी मिक्स नहीं हुआ, ये मिक्सी में पीस रहे ना, तो इसमें बीज भी सब कुछ पीस के आ गया। इसमें कितनी भी चीनी डालेंगे तो ये मीठा हो गया नहीं, क्योंकि इसमें बीज पीस गए। मिक्सी में कभी भी मौसमी का जूस ना बनाए, हमने बना के पिया था। मेरा भाई कह रहा था कि असली जूस पियेंगे हम, और हमने असली जूस निकाला। जब मैंने पूरा ग्लास पिया, एक पहला घूट मारा, उसके बाद पूरा ग्लास मुझे मजबूरी में पीना पड़ा, तो बहुत ही कड़वा स्वाद था। हमें इसका स्वाद अच्छी तरीके से पता था लेकिन इन बेचारों को नहीं पता था। तो मैंने अब इनको पिलाया है, इनको भी स्वाद पता चल गया। अब इनको ओरिजिनल जूस भी पिलाएंगे क्योंकि हम लोग
मशीन लाए हैं जूस बनाने वाली, जो कि घर में जिससे जूस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो मशीन जिससे हम जूस निकालेंगे। ये मेरा भाई लाया था गुड़गांव सदर बाजार से। मैंने इसको बोला तो था कि वो वाली मशीन लाए जो रेडी वाले के पास होती है इसे घुमाने वाली, वो भी सस्ती मिल जाती है 1500-1200 के आसपास की। लेकिन मेरे को, मैंने सोचा यही था कि वो यही वाली मशीन ला रहा है। उसने मेरे को फोन करा कि भाई मशीन मिल रही है जूस निकालने वाली, और मशीन ऐसी मिल गया उसमें मतलब मौसमी छीलनी ही नहीं पड़ेगी। भाई मैंने कहा चलो कोई नहीं, होगा ऐसा टैलेंट बना दी होगी ऐसी मशीन जिसमें छीलनी नहीं पड़ेगी। अब इसमें छीलनी क्यों नहीं पड़ेगी ये आप भी देखोगे कैसी मशीन लाया है। जब मैंने देखी तो उसके बाद मुझे पता चला। अनबॉक्सिंग मौसमी के जूस वाली मशीन, होममेड जूस। तो दोस्तों ये है वो मशीन जिससे हम निकालेंगे मौसमी का जूस। मैं मौसमी को बिना छीले हुए इस मशीन में जूस निकालने की प्रक्रिया को बहुत बड़ी कमी समझ रहा था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फायदा है कि हमें मौसमी को छीलना भी नहीं पड़ेगा और इसमें जूस निकल जाएगा। तो अब इसमें जूस निकाल के देखते हैं कि निकलेगा कैसे। पहले तो मौसमी लेनी है और मौसमी के दो टुकड़े कर देने छिलके के साथ, और इस मौसमी को मशीन को घुमाना ऊपर, मौसमी को रखना बिल्कुल सेंटर में, जैसे नींबू निचोड़ के रस निकालते हैं। ये देखिए जैसे नींबू का रस निकलता है ऐसे ही ये मौसमी जो है पिचक जाएगी और जूस निकलेगा ताजा ताजा। अब इसमें कोई छिलका नहीं है, कोई बीज नहीं है, और ये ताजा ताजा जूस निकल रहा है। बहुत ही आसान सा तरीका है जूस निकालने का, और बहुत ही बढ़िया मशीन है। पहले मेरे को देखने में बेकार लग रही थी, लेकिन ये उस वाली मशीन से भी बहुत बढ़िया है घर के लिए। ये देखिए ताजा ताजा जूस अपने ही घर में, जब मन करा तब निकाला तब पिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब ये भी बताएंगे आपको कि कितनी मौसमी में कितना जूस निकला है, एक गिलास कितनी मौसमी में निकलता है। और ये जो प्लास्टिक का ग्लास है ये इसके साथ ही हमें मिला है, ये हमने अलग से नहीं लगाया है, ये इसी के साथ ही मिला है। और इस मशीन का प्राइस है दोस्तों 1100 रुपए। इस मशीन का प्राइस है और घर के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें अनार का भी जूस निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का जूस आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो जरूर लगती है, लेकिन मेहनत करने में मजा भी आता है और उसके बाद पीने में तो अलग ही मजा आता है। तो अभी जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ थोड़ा सा धोखा हो चुका है, उनको हमने कड़वा जूस पिला दिया जबकि हमें पता था कि वो कड़वा जूस है और उन्हें कड़वा लगेगा। लेकिन हमें दो नए मेहमान चाहिए थे जिनको पता ना हो कि मिक्सी का जूस निकाला हुआ कड़वा होता है। अगर उन्हें पता होता तो वो पीते ही नहीं। पहले मैं ये सीन अपने भाई के साथ करने वाला था, लेकिन उसे पता था कि ये जूस कड़वा है तो उसने पिया ही नहीं, उसने साफ पीने से मना कर दिया। अब हमने 7 मौसमियां काटी हैं और देखते हैं भी इसमें कितना जूस निकलता है। अभी आपको 7 मौसमी का जूस निकाल के दिखाएंगे, एक गिलास भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये है 7 मौसमी का जूस जिसमें निकला है, ये एक गिलास जूस निकला है। हमने इसको आधा आधा बांट दिया है। जो मौसमी वाले जूस निकालते हैं उनका 3 या 4 मौसमी में एक गिलास निकल जाता है, तो उनका जो कट्टा होता है वो 600 रुपए वाला होता है। ये हमने बाद में एक मौसमी वाले से पूछा, उसका भी मैं इसको आपको वीडियो बता दूंगा। और ये जो हम कट्टा लाए हैं ये 500 रुपए वाला कट्टा है। और अब हम इस जूस को ट्राई करवाएंगे। तो ये लीजिए मम्मी जी और ये लीजिए बुआ जी, अब इस जूस को पी के बताइए ये कैसा लगा। झूठ मत बताना, बिल्कुल सच सच बताना कैसा फर्क है उस जूस में जो मिक्सी में पिसा है और इसमें। पियो, ये असली जूस बेटा। वो जो पिलाया था बहुत ही कड़वा था, बहुत ही बेकार था, ये असली जूस। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि दुकान वाले का है? हाँ, बिल्कुल लग रहा है। बुआ जी आप बताइए, ये सही है? अच्छा, इसमें झूठ तो नहीं बोल रहे हो? वीडियो में है कि वीडियो अच्छी है? ये ठीक है, देसी है। अच्छा देसी है, चलो पियो, पूरा पी के खत्म करो। और वो जूस जब आप लोग पी रहे थे तो आपकी शक्ल में ऐसी सिलवटें आ रही थी जैसे आप दारू पी रहे हो। कड़वा था वो, कड़वा था। और ये जो जूस पी रहे हो ये अच्छा है। ये हमें पता है कि जूस अच्छा था क्योंकि हमने पहले बना के पी रखा है।
लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि मौसमी का जूस जो है वो कभी भी मिक्सी में ना बनाएं, क्योंकि उसके साथ बीज और मौसमी के छिलके सब पीस के वो जूस को कड़वा कर देते हैं। अभी हमने इसमें चीनी भी नहीं डाली है, बस थोड़ा सा नमक डाला है, तो इसका जूस हल्का सा खट्टा और मीठे का स्वाद था मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले पिया है इस वाली मशीन से जूस निकाल के। ये वाली मशीन जो है आप अपने घरों पर ला सकते हैं, 1100 रुपए की है मात्र, और जब भी आप मौसमी का कट्टा लेने जाएं तो 600 रुपए का कट्टा आता है, तो वो लें, जो 500 रुपए का आता है उसमें छोटी छोटी मौसमी होती है, वो थोड़ी सी कड़वी होती है, हल्की सी ज्यादा खट्टी होती है। जो 600 रुपए वाला कट्टा होता है उसमें 3 मौसमी में ज्यादा जूस निकलता है। तो ये जो मशीन है अब हमारा साथ देगी पूरे सीजन में, जब तक मौसमियां चलेंगी मौसमियां जूस पिएंगे, नींबू निचोड़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको भी लेनी है ये मशीन तो जाइए ऑनलाइन, तो ये आपको महंगी मिलेगी, ऑनलाइन ये कम से कम 2-2.5 हजार रुपए की मिलेगी, तो लोकल मार्केट से लीजिए वहां पर ये आपको मिलेगी लगभग 1100-1100 से कम में मुश्किल मिलेगी। अगर किसी को मिलती 1000 रुपए में तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि दूसरे ग्राहक वहां से ले सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। रुको रुको दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी हमने उनको जूस पिला दिया तो हमारे भी मुंह में पानी आ रहा था कि हम भी थोड़ा सा जूस और पी लें। जब मशीन खुली है और मौसमी सामने धरी थी तो हमने ये मौसमी काट दी, और अब इन मौसमी का जूस मैं भी पीऊंगा, मेरे भाई भी पियेंगे। और ये रही मौसमी का जूस बनाने की प्रक्रिया, अब हमने छन्नी यहीं पर रख दी है। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है जूस फिर से, और हमारी दादी जी भी आ गई थी तो हमने सोचा दादी जी को भी जूस टेस्ट करा दिया जाए, वो कड़वा जूस तो दादी को टेस्ट करवा नहीं पाए जो हमने मिक्सी से निकाला था, तो ये ओरिजिनल जूस जो हमने मशीन से निकाला ये टेस्ट करते हैं। चलो दादी चीयर, चलो पियो। तो दोस्तों मजा आ गया जूस पी के, घर पे मशीन है तो काय का गम जूस पियेंगे दिन रात हम। मजा आया दादी, खट्टा लग रहा है? खट्टा लग रहा है। हाँ तो जब भी मन करे मशीन पड़ी है निकालो और पियो। बाय ऐसे बोलते हैं, बाय बोल दो। हाँ जूस।